Hello everyone, welcome back to Real Life Medico. I'm back again with my new video and my today's video is going to be really very important for you guys, especially for the students who are looking for transfer from Ukraine or from any other country. So according to NMC, as you all know, जिन students ने admission December 2020 से पहले लिया था उन लोगों के लिए जो है transfer valid है. एंड सिंस ये भी बात सबको पता है कि हम लोगों ने जो है 2 साल जो है ऑनलाइन क्लासेस करी हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो है मेनली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस का एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आफ्टर सेकेंड ईयर जो है हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं एंड इफ यू विल डू क्लिनिकल्स ऑनलाइन देन यू वोंट बिकम अ गुड डॉक्टर. एंड सिंस यूक्रेन जो है वो स्टिल अंडर वॉर है तो वापस यूक्रेन जाने का ऑप्शन भी जो है वो सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है. एंड व्हेन यू आर गेटिंग सम बेटर ऑप्शन ऑफ फॉर ट्रांसफर, दैट इज यू आर गेटिंग अ बेटर कंट्री टू ट्रांसफर, देन यू शुड कंसिडर देम. लेकिन इफ यू आर कंसिडरिंग टू टेक ट्रांसफर फ्रॉम यूक्रेन टू एनी अदर कंट्री, देन यू शुड बी अवेयर ऑफ द स्कैम दैट इज गोइंग ऑन इन द वेक ऑफ ट्रांसफर नाउअडेज. लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स, क्योंकि अभी क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स थे, 10 to 15 स्टूडेंट्स थे इवानो फ्रांकिस यूनिवर्सिटी के, जिसने किसी एजेंट या कंसल्टेंसी के थ्रू जो है अपना ट्रांसफर प्रोसीजर स्टार्ट कराया, यानी कि उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है उस एजेंट के थ्रू कराया. उसके बाद जो है वो एजेंट उन लोगों को उज्बेकिस्तान लेकर गया और उस एजेंट ने उनको प्रॉमिस किया कि उनका जो एडमिशन है वो सेम ईयर में होगा, दैट इज दे विल नॉट गेट एनी सेमेस्टर बैक और ईयर बैक. लेकिन जब वो लोग उज्बेकिस्तान पहुंचे तब यूनिवर्सिटी ने उनको डिनाई कर दिया सेम ईयर में ट्रांसफर देने के लिए एंड दे गॉट सेम बैक एज वेल एज ईयर बैक. उसके बाद जो है क्या हुआ था कि उस एजेंट ने क्या किया, उस एजेंट ने उनको मैनिपुलेट किया था कि हम जो है तुमसे इतने कम चार्जेस लेंगे, वी आर नॉट टेकिंग एनी कंसल्टेंसी चार्जेस और कंसल्टेंसी से हम इतना कम चार्ज कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली अगर आपको कहीं पर जो है कम, कोई भी कंसल्टेंसी या एजेंट आपको बोलता है कि हम कम चार्ज करेंगे, देन इट इज ऑब्वियस कि आप उसी एजेंट के पास जाओगे. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन स्टूडेंट्स का जो है मनी वेस्ट हुआ एज वेल एज टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि उनको सेम ईयर में या सेम सेमेस्टर में तो एडमिशन मिला नहीं. देन सेकेंड केस भी कुछ ऐसा सिमिलर हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो उज्बेकिस्तान गए और उन्होंने किसी दूसरी कंसल्टेंसी या फिर एजेंट के थ्रू अपना एडमिशन पूरा प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन करा. हेयर आई डोंट वॉन्ट टू रिवील द नेम ऑफ एनी एजेंट और कंसल्टेंसी बिकॉज आई एम नॉट पर्सनली टारगेटिंग एनीवन सिंस एवरीवन हैज फैमिली. सो आई डोंट वॉन्ट टू टारगेट एनीवन एंड आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज देयर नेम्स. आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग जस्ट बिकॉज कि आप अगर ट्रांसफर लेते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन किसी भी एजेंट या कंसल्टेंसी के थ्रू कराते हैं तो आपके साथ ये सिमिलर स्कैम्स या फिर फ्रॉड ना हो. सो क्या हुआ था कि उस एजेंट ने उन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन कराया और वो उनको उज्बेकिस्तान लेकर भी गया, लेकिन उज्बेकिस्तान में जाकर जिस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन का डॉक्यूमेंटेशन हुआ था उस यूनिवर्सिटी ने उनका एडमिशन डिनाई कर दिया और वो स्टूडेंट्स जो हैं 10 टू 15 डेज उज्बेकिस्तान में रहे भी, लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने जो है उनको एडमिशन नहीं दिया. क्योंकि क्या हुआ था कि जो सारा डॉक्यूमेंटेशन बोला था उस एजेंट ने कि उन लोगों का हो रहा है, दैट वाज ऑल फेक. सो यहां पर भी क्या हुआ, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ प्लस स्टूडेंट्स का मनी वेस्ट हुआ. सो वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में ये सेम बात बोलती हूँ कि जब भी आप कोई कंसल्टेंसी चूज कर रहे हैं, वेदर यू आर चूजिंग इट फॉर योर फ्रेश एडमिशन फॉर एमबीबीएस एब्रॉड या फिर आप ट्रांसफर के लिए कोई भी कंसल्टेंसी या कॉन्ट्रैक्टर चूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिलायबल है या नहीं है, ट्रस्टवर्दी है वो कंसल्टेंसी या नहीं है. क्योंकि क्या होता है, अगर आपका किसी कंसल्टेंसी में $1,500 एक्स्ट्रा लग भी जाएंगे, कोई कंसल्टेंसी आपको $1,500 एक्स्ट्रा चार्ज कर भी रही है, लेकिन एटलीस्ट वो कंसल्टेंसी जेन्युइन है तो दैट डजेंट मैटर. एटलीस्ट आपको कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना एज सच इन फ्यूचर, लाइक ये जो स्कैम्स एंड फ्रॉड्स वगैरह चल रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू से कि या तो आप कोई जेन्युइन कंसल्टेंसी चूज करें, अदरवाइज आप रेडी रहें इन सब स्कैम्स वगैरह के लिए, क्योंकि नाउअडेज दीज आर एट देयर हाइट. सेकेंड थिंग इज, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं 5 ईयर्स वाले कोर्सेज को, जो जैसे कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में ऑप्शन है एक 6 ईयर कोर्स का और एक 5 ईयर्स कोर्स का. तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ट्रांसफर वाले वो ऑप्ट कर रहे हैं कि हम 5 ईयर्स वाले कोर्स में जाएंगे बिकॉज दे थिंक दैट डूइंग दिस थिंग दे विल सेव देयर ईयर, बट दैट इज नॉट द फैक्ट. क्योंकि आगे इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू गिव एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक यूएसएमली, प्लैब, एएमसी एंड इवन यू विल फेस सम प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो अगर आप 5 ईयर वाले कोर्स को चूज कर रहे हैं तो. सो
इस सब चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप ट्रांसफर ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी जो है NMC अप्रूव्ड होनी चाहिए, WHO अप्रूव्ड होनी चाहिए और उसमें 6 ईयर्स का मेडिसिन का कोर्स होना चाहिए और प्लस इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप कोई भी कंसल्टेंसी या फिर कॉन्ट्रैक्टर चूज कर रहे हैं तो वो कंसल्टेंसी या फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ आप ऑफिशियली जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स है किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप डायरेक्टली उनके थ्रू एडमिशन लो, क्योंकि जो करंटली जो ट्रांसफर ले रही हैं कंट्रीज और जो गुड कंट्रीज हैं ट्रांसफर के लिए वो करंटली हैं सर्बिया, जॉर्जिया और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उज्बेकिस्तान की जो ट्रांसफर दे रही हैं स्टूडेंट्स को। इवन यूनिवर्सिटीज में कोई सेमेस्टर बैक या फिर ईयर बैक भी नहीं है। एंड कुछ गुड यूनिवर्सिटीज हैं वो रशिया में भी हैं जो जिसमें कोई भी सेमेस्टर या फिर ईयर बैक नहीं है। बट सेम थिंग अप्लाई होती है कि अगर आप डायरेक्टली जो उसमें ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनके थ्रू एडमिशन लेंगे देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम लाइक दैट कि ये जो कुछ भी फ्रॉड वगैरह होता है स्टूडेंट्स के साथ। सो इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता है किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, बीट इन सर्बिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान और रशिया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली कौन सा कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, देन यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल गाइड यू एंड प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है सो दैट इन फ्यूचर आपके साथ कोई स्कैम या फिर फ्रॉड ना हो। So my main motive of making this video is to make you aware of the fact and the scams that are going on right now in the wake of transfer. So thank you so much for watching this video and I hope you will find this video really very informative for you and stay tuned to my channel.